सिक्योरिटी फोर्सेस के कई सारे ऑफिसर से लेकर अफगानिस्तान की कई सारी डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस के गवर्नर्स लीडर्स और खुद एट द एंड प्रेसिडेंट अशरफ गनी के भागने से अचानक से पूरे का पूरा अफगानिस्तान कुछ ही घंटों में तालिबान के हाथ चले गया था। यूएस का अफगानिस्तान ब्लंडर 21वीं शताब्दी की सबसे मुख्य घटनाओं में से एक होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात जानकर आपको हैरानी होगी, हक्कानी नेटवर्क आतंकवादी संगठन जिसको अमेरिका ने साल 2012 में अफगानिस्तान में यूएस सोल्जर्स के ऊपर हमले करने और अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधि फैलाने के लिए एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था, उसके कई टॉप लीडर्स आज भी अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स को मारने के कारण अमेरिका की हिटलिस्ट पर हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन पर भी सेपरेटली कई मिलियन डॉलर्स के इनाम की घोषणा कर दी है। आज यही हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सिक्योरिटी संभाल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, तालिबान ने राजधानी काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हक्कानी नेटवर्क को दी है, जिसने पूरे काबुल में अपने 6000 आतंकी डिप्लॉय कर दिए हैं। और मजे की बात यह है कि खलील हक्कानी, जिसके ऊपर अमेरिका ने 5 मिलियन डॉलर्स तकरीबन 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, वो काबुल का सिक्योरिटी हेड बन गया है। यानी अमेरिका को अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए इसी खलील हक्कानी की मदद लेनी पड़ रही है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और नाटो फोर्सेस आज की डेट में कितने बेबस हैं। ये सब कुछ देखकर शुरुआत में तो कोई होप ही नहीं लग रही थी कि अब तालिबान के खिलाफ कोई खड़ा भी होगा, सब काफी डिमोटिवेटेड थे। लेकिन जब खबर सामने आई कि अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले देश छोड़कर भागे नहीं है बल्कि तालिबान के कट्टर दुश्मन पंजशीर में जाकर बैठे हैं, जिस पर तालिबान आज तक कब्जा नहीं कर पाया है, ये खबर आते ही थोड़ी उम्मीदें जग गई थी कि हाँ, अभी तालिबान के खिलाफ कुछ हो सकता है। वहां से कई सारी रिपोर्ट्स, वीडियोस और इमेजेस भी निकल कर आ रही थी कि पिछले कुछ दिनों में पंजशीर की जो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स है, उसने नॉर्दर्न अफगानिस्तान की 3 डिस्ट्रिक्ट तालिबानियों के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब पिछले कल सुबह 11 बजे के करीब काबुल की सिक्योरिटी संभाल रहे खलील हक्कानी ने ऐलान किया कि पंजशीर के लीडर अहमद मसूद ने भी तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं, यानी तालिबान रेजिम को अपना समर्थन दे दिया है। ये अनाउंसमेंट करते हुए खलील हक्कानी की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें वो बड़ी खुशी से अनाउंस कर रहा था कि पंजशीर भी फाइनली हमारे आगे झुक गया है। मगर पिछले कल रात 10 से 11 बजे तक अफगानिस्तान से एक नई अपडेट आई है, जिसके मुताबिक अहमद मसूद और तालिबान के बीच नेगोशिएशन तो चली थी लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप आज तक एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक अहमद मसूद की तालिबानियों के साथ अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। मतलब वो अभी भी तालिबान के आगे नहीं झुके हैं और नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स अभी भी एग्जिस्ट करती है। 12 घंटों के अंदर सारा खेल दोबारा से पलट गया है। सुबह नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स और अमरुल्ला साले का भविष्य खतरे में लग रहा था, लेकिन रात आते आते दोबारा से उम्मीदें जग गई हैं। मगर अहमद मसूद अल्टीमेटली तालिबानियों के आगे झुकेंगे या फिर कोई भारी देश उनकी मदद के लिए आगे आएगा या फिर नहीं, ये सारी डेवलपमेंट हम ट्रैक करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंजशीर का इलाका क्योंकि चारों तरफ से तालिबानी कैप्चर्ड एरिया से घिरा हुआ है, जिसके कारण पेट्रोल, राशन और बाकी सप्लाईज के लिए पंजशीर तालिबान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में देखना ये होगा कि वो तालिबान के आगे कब तक खड़े रहते हैं, क्योंकि जब तक अमेरिका, भारत और बाकी नाटो सदस्य देश अपने देश के एक एक नागरिक को काबुल से इवैक्यूएट नहीं कर लेते, तब तक वो पंजशीर को बिल्कुल भी मदद नहीं देंगे। और तब तक अहमद मसूद तालिबान के आगे टिक पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।